हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से कवर करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बिल्कुल बेस्ट बुक होती है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा। या तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ईपीएफओ का आपका एग्ज़ाम अगर हो रहा हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बिल्कुल बेस्ट और इनफ बुक होती है। तो आज मैं इससे जो टॉपिक उठा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज लिया हुआ है, ताकि आपका ईपीएफओ भी कवर हो जाए, यूपीपीसीएस कवर हो जाए, आपका यूपीएससी कवर हो जाए। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, जो कि स्पेक्ट्रम में इकाई 6 में दिया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 की घटना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये घटना है। हर एग्ज़ाम में इस घटना से क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चैनल बिल्कुल बेस्ट है। मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस होते हैं वही मैं लेकर के आते रहती हूँ और आगे भी लेकर के आऊँगी। तो हमारे साथ चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस भी आप एजुकेशन ग्रुप में ऐड हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प मिले। तो आइए शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रम का इससे पहले भी मैंने दो वीडियो डाल रखा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918, जो कि इकाई 6 में दिया हुआ है, जिसमें कि उग्र राष्ट्रवाद का युग हुआ। 1905 से 1909 में उग्र राष्ट्रवाद का युग था। 1905 से 1909 क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917 तक रहा, और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। तो स्पेक्ट्रम में अध्याय 12 जो है, इसमें उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1909 के बारे में दिया हुआ है, जिसमें कि अध्याय 12 में आपको ये बताया गया है कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। तो स्टोरी की तरह मैं इस चीज़ को बताऊंगी, आप बिल्कुल स्टोरी की तरह से ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल स्टोरी उतर जाएगी। और जो सन है, जो इसको सन बिल्कुल किसी को भी याद नहीं रहता है, तो सन को आप नोट डाउन करते रहिए, बाकी आप स्टोरी की तरह चीज़ों को सुनिए, समझिए, क्योंकि सन आपको स्टोरी की तरह याद नहीं रहती है, उसको आपको नोट डाउन करके एक दो बार ज़रूर से पढ़ना पड़ेगा। तो उसको आप सन को आप नोट डाउन करिए, स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। अब हम बाकी अब आगे कोई भी बात नहीं करेंगे, बस इस चीज़ को हम ध्यान से पढ़ते रहेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों, विशेषतः 1890 के बाद, भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ, और 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। कांग्रेस के अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और वे शासन में मनमानी करते रहे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया, तो संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए, जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें, और वो दल उग्रवादी कहलाया। जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ वो तत्व है अंग्रेजी राज्यों के सही स्वरूप की पहचान। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया और वो राजनीतिक आंदोलन पर कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इसका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण की नीति ने देश को विपन्नता के कागार पर पहुंचा दिया। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्षों से 90 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्यमान रही। दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग से हजारों लोग काल से ग्रस्त बन गए। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत ही में हुए सांप्रदायिक झगड़ों ने जनधन को अपार क्षति पहुंचाई।
इन परिस्थितियों में सरकार की निरंतरता, उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया। इन परिस्थितियों में सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने का कुत्सित प्रयास कर रही है। फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों एवं अधिकारों की आलोचना की। इस अवधि की कुछ घटनाओं ने भी इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया, जैसे कि 1892 की 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के राष्ट्रवादियों ने ये कह करके आलोचना की कि ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा। इसके बाद 1857 में 97 में 1897 में पुणे के नाटो बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया और तिलक और अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके लंबे कारावास का दंड दे दिया गया। इसके बाद 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया और एक नई धारा 156A जोड़ दी गई। इसके बाद 1899 की घटना, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता नियम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया और सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर निशेषाधिकार यानी वीटो दे दिया गया। ब्रिटिश शासन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई, विशेषकर लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, राष्ट्रवाद के उदय का कारण था आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि। राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होती गई। तिलक, अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचाने। धीरे धीरे ये धारणा बलवली होने लगी कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तीसरा कारण था शिक्षा का विकास। शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक ओर भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे और उनमें जागृति आई, वहीं दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। इनमें से अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशों शासन को उत्तरदायी ठहराया और धीरे धीरे वे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। चूंकि भारतीयों का ये नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहां के राष्ट्रवाद, जनतंत्र एवं आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था, फलतः उसने साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार प्रारंभ कर दिया। अगला तत्व था अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। इस काल की कई अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1868 के बाद जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस घटना ने उदारवादियों की इस धारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर युद्ध जो कि 1899 से 1902 तक चला, बोअर युद्ध, और 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता की मिथक को तोड़ दिया।
इसी प्रकार आयरलैंड, रूस, मिश्र, पर्शिया एवं चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर के विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना विचार भी दिया है, जो कि स्पेक्ट्रम में एक अलग से यहाँ पे प्रमुख विचार करके दिया गया है। तो ये विचार हैं, पहले विचार जो है वो स्वामी विवेकानंद के हैं कि यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वो है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्लभता को दूर करना चाहिए। दुर्लभता पाप है, दुर्लभता मृत्यु के समान है। ये कहा है, ये विचार है स्वामी विवेकानंद का। अगला विचार, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। ये प्रमुख विचार है बाल गंगाधर तिलक का। एक एशिया ने जो किया वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। एक एशियाई ने जो भी किया वो दूसरे भी कर सकते हैं। यदि जापान रूस की पिटाई कर सकता है तो भारत भी ब्रिटेन को उसी तरह से पीट सकता है। ब्रिटेन को हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए और अपनी ताकत के अनुरूप हमें जापान की तरह संसार की प्रमुख महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। ये प्रमुख विचार है कराची क्रॉनिकल का, जो कि 18 जून 1905 में। ठीक है, तो ये तो प्रमुख विचार थे। अगला जो उग्रवादी के राष्ट्रवादी के उदय का कारण बना वो था बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन और समाज में पश्चिमी प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारत का सांस्कृतिक पहलू भी इससे अछूता ना रहा। इससे भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय और वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया और भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत का गुणगान करके पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। इन्होंने भारत के प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान करके पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। इनके प्रयासों से भारतीयों की ये हीन भावना दूर हो गई कि वे पश्चिम से पिछड़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है। ये किसने घोषित किया? दयानंद सरस्वती ने किया, भारत भारतीयों के लिए है। अगली जो कारण था राष्ट्रवादी के उदय का वो था उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 सालों की उपलब्धियों से संतुष्ट ना थे। वे कांग्रेस की क्षमा याचना और शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस तरह की नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संख्या दी। वे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। अगला जो तत्व था राष्ट्रवाद के उदय का वो था लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 साल का शासन शिष्टमंडल भूलों और आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भारतीय जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया और कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी। तो कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संज्ञा किसने दी? लॉर्ड कर्जन ने दी, जिसने कि भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था। उसने भारत विरोधी बयान दिए। उसके शासन के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों यथा कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम इत्यादि से भारतीय खिन्न हो गए। 1905 में बंगाल के विभाजन और कटु भाषा के प्रयोग से भारतीयों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन हुए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कर्जन के इन कार्यों से ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रियावादी मंशा स्पष्ट उजागर हो गई। अगला कारण था जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व।
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दिए। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल, महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री, चिपलूड़कर, बाल गंगाधर तिलक और पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इस वर्ग विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आजादी बलिदान मांगती है। इस विचारधारा के समर्थक के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे। विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी, निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीयों में अवश्य होना चाहिए और स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने के लिए भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए। अगला जो कारण हुआ उदय का, वो कारण था एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षित समूह के अभाव में राजनीतिक आंदोलन को उच्चता या पराकाष्ठा पर ले जाना असंभव है। सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय हो चुका था। इस प्रशिक्षित नेतृत्व ने स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी और भारतीयों की ऊर्जा एवं शक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान से जोड़ दिया। बंगाल विभाजन के विरोध और स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपना सामर्थ्य का आभास हो चुका था। योग्य नेतृत्व ने स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, आगे हम पढ़ेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ था। जो कि ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के विरोध से स्टार्ट हुआ था। तो लोगों को विभाजित करने के लिए बंगाल का विभाजन कैसे हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया था और ये बंग भंग का ही प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी जो कि 78 मिलियन है, इसके कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का ये तर्क सही था, लेकिन अंग्रेजों की वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्लभ करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया गया। पहला, भाषा के आधार पर, इससे बंगाली भाषा भाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। और दूसरा था धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या 5,40,00,000 में से 4,20,00,000 थी। और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र थे जहाँ पे कुल आबादी 3,10,00,000 में से मुसलमानों की आबादी 1,80,00,000 थी। मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए करजन ने कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत, जो कि पूर्वी बंगाल है, उसकी राजधानी बन सकता है। ये करजन ने मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए कहा, क्योंकि इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी जो कि मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी।
इस तरह बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, तो फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध, जो कि 1903 से 1905 तक चला। 1903 से 1905 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए और हितवादी, संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत और इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो कि बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने के लिए अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल सके। लेकिन भारतीयों के विरोध स्वर की अपेक्षा भारतीयों के विरोध स्वर की अपेक्षा करते हुए भी सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन, या जो आप डार्क ब्लैक में आप देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने की घोषणा की गई। इसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया और लोगों से मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, तो आंदोलनकारियों ने ये दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। कौन सा दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, तो आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया और नंगे पांव पद यात्रा करते हुए वंदे मातरम गीत गाया। कालांतर में वंदे मातरम गीत जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य गीत बन गया। विभाजित बंगाल के दोनों भागों के लोगों ने आपसी एकता जो है वो प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। इसी दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः तब तक की सबसे विशाल जनसभा थी, जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने संबोधित किया। जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने विरोध अभियान चलाने के लिए 50,000 रुपए एकत्र किए। शीघ्र ही ये विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकल करके भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। पुणे और बंबई में इस आंदोलन का नेतृत्व तो बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया। वहीं दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदंबरम पिल्लई ने इसे नेतृत्व तो प्रदान किया। अब आगे हम कांग्रेस की स्थिति को जानेंगे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दो प्रस्ताव पारित किए गए। वे दो प्रस्ताव थे कांग्रेस कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंगाल विभाजन की आलोचना करना, और दूसरा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान और स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। इस दो प्रस्ताव को पारित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो और इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित न रख करके पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए।
जिससे कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त हो सके। लेकिन उस समय कांग्रेस में नरमपंथियों का प्रभुत्व था, वे इसे बंगाल के बाहर चलाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य है। धीरे धीरे उदारवादियों और उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ते गए, जिसकी चरम परिणति 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई, जब कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गया। इस विभाजन का स्वदेशी अभियान और अन्य तात्कालिक आंदोलनों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा था। उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन 1905 के बाद बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके मुख्य तीन कारण थे। पहला, उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकलना। दूसरा, उदारवादियों के संवैधानिक रुख से उदारवादी असहमत थे। और तीसरा, सरकार ने अभियान को असफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का दमन करना शुरू कर दिया था, कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया वंदे मातरम के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई, अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, नेताओं को निर्वासन की सजा दी और प्रेस का दमन किया गया। अब आगे हम जानेंगे उग्रवादियों का कार्यक्रम। कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य का अर्थ वो शासन पद्धति समझा गया जो कि सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित थी। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई और तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली। इस शपथ को व्यवहारिक रूप देने के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की दुकानों के समक्ष धरना दिया गया और विदेशी वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए समितियां बनाई गई। नेताओं ने लोगों से स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, नगरों, नगर पालिकाओं और राजकीय उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की अपील की। इस अवसर पर अरविंद घोष ने कहा कि शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को लाभ पहुंचता हो और भारत का आर्थिक शोषण होता हो। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर के अंग्रेज शासन तंत्र को असफल बनाने के लिए आगे आए। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया और नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले। अरविंद घोष ने स्पष्ट किया, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसे हैं। इस प्रकार गरमपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा को राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य बना दिया। संघर्ष का नया स्वरूप। उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों, विचारधाराओं और रुख को एक नए आयाम से जोड़ा। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया और नरमपंथियों की अवधारणा को पूर्णतया नकार दिया। इस अधिवेशन के तहत संघर्ष के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए वो तरीका था, पहला तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार,
इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक और चीनी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने के लिए ब्राह्मणों से अपील करना और धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। ये कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली। दूसरा था जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन। ये दोनों माध्यम इस अभियान के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए और जनसंख्या के एक काफी बड़े हिस्से ने इनमें सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन। इस अभियान में समितियां और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे। बारिसल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बंधव समिति इसी प्रकार की एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में वीओ चिदंबरम पिल्लई, सुब्रमण्यम सेवा और कुछ वकीलों ने मिलकर के स्वदेशी संगम का गठन किया, जिसने स्थानीय जनमानस को उद्वेलित और प्रेरित किया। इन समितियों ने जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। समितियों द्वारा जन जागरण के लिए विभिन्न तरह के तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें कि व्याख्यानों का आयोजन, स्वदेशी गीतों का गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक और शारीरिक प्रशिक्षण, अकाल और महामारी जैसे आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग, नए स्कूलों की स्थापना और स्वदेशी दस्तकारी के लिए प्रशिक्षण इत्यादि प्रमुख थे। अब आगे के कारणों को देखने से पहले हम यहाँ पे जो प्रमुख विचार दिए गए हैं उनको जान लेते हैं। पहले क्या क्या विचार किसने किसने दिया है। सबसे पहला जो विचार दिया है वो है बाल गंगाधर तिलक का। क्या विचार है? स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज्य के बिना कोई भी सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है, ना कोई औद्योगिक प्रगति, ना कोई उपयोगी उपलब्धि और ना ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। ये प्रमुख विचार है बाल गंगाधर तिलक का। अगला, स्वदेशी ने अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक और घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर दिया था। ये विचार है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। स्वराज्य आधुनिक परिस्थितियों में भारत के प्राचीन स्वरूप की स्थापना है। ये राष्ट्रीय महानता का सतयुग है। ये राष्ट्र के लिए शिक्षक और पथ प्रदर्शक के समान है। ये आत्मपरिपूर्ण भारतीयों के वेदांतिक विचारों को राजनीतिक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए यही भारत के लिए स्वराज्य है जो भारत के लिए आवश्यक है। ये विचारधारा है अरविंद घोष का। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला कारण है परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों का जुझाऊ राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग। यानी उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव और मेलों का प्रयोग जनाधार बढ़ाने और राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में किया था। जैसे कि तिलक का गणपति और शिवजी उत्सव। ये उत्सव न केवल महाराष्ट्र बल्कि बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग भी इस अभियान को लोकप्रिय और सफल बनाने में किया गया। अगला, आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल। इस भावना के प्रसार से राष्ट्र प्रतिष्ठा या और विश्वास की भावनाओं को बल मिला और गांवों को सामाजिक और आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रम और अभियान चलाए गए, जिनमें कि जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा का विरोध और मद्य निषेध इत्यादि प्रमुख थे। स्वदेशी या राष्ट्र शिक्षा कार्यक्रम। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर के कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया और अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। शीघ्र ही देश के कई अन्य भागों में नेशनल स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई। साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को संगठित करने के लिए 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। कब की गई? 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, जिससे देशवासियों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।
समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित किया गया। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई और मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान भेजने की व्यवस्था की गई। स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन। स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां, हस्तकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गई। वीओ चिदंबरम पिल्लई का तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने, हालांकि ब्रिटिश स्ट्रेस नेविगेशन कंपनी के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। इस समय भारतीय व्यापारियों में व्यवसायिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक था। सांस्कृतिक जगत में प्रभाव। इस काल में महान राष्ट्रवादियों जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेत्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं और गीतों की रचना की, जिससे कि भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत ने तो इस प्रसिद्ध गीत ने तो कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी और बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की। चित्रकला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्विटोरिन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया और मुगल, अजंता और राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर के अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। किसने? मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय और अन्य वैज्ञानिकों के अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रशंसा की गई। अब आगे हम जानेंगे जन सहभागिता का दायरा। विद्यार्थी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ज्यादा संख्या में छात्रों ने स्वदेशी को व्यवहार के रूप में अपनाया और बहिष्कार संबंधी धरनों और प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई। छात्रों की भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना और दक्षिण भारत के गुंटूर, मद्रास और स्लेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, लेकिन उन्हें सरकार की दमनपूर्ण नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षण संस्थाओं के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता और छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई। अनेक छात्रों पर भारी जुर्माने लगाए गए और उन्हें गिरफ्तार करके अमान्य यातनाएं दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों के अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। महिला की सहभागिता की बात करते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ कि घर की चार दीवारी में केंद्रित महिलाएं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मध्यवर्गीय महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। महिलाओं ने कंधे से कंधे मिलाकर के जुलूसों, सभाओं और विरोध प्रदर्शन में भाग ले लिया। कालांतर में उन्होंने राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम की सहभागिदारी कैसी थी? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के द्वारा अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। इनमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और गजनवी मौलाना आजाद के नाम उल्लेखनीय हैं। लेकिन उच्च और मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया
और घोषित किया कि इससे उन्हें मुस्लिम आबादी बहुल पूर्वीय बंगाल का नया राज्य प्राप्त होगा, जैसा कि करजन ने उनको लालच दिया था। सरकार के हितों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में और ढाका के नवाब सलीमुल्ला जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 दिसंबर 1905 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को सहायता प्रदान की गई। कब की गई? 30 दिसंबर 1905 को। इसके अलावा प्रेरणा के लिए हिंदू उत्सवों और देवी देवताओं का आह्वान करने वाले नेताओं सहित स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति ने भी मुसलमानों को इस आंदोलन से बाहर रखने का प्रयास किया। श्रमिक असंतोष और व्यापार संघ। प्रारंभ में कीमतों में वृद्धि और नस्लीय अपमान प्रधानतः विदेशी स्वामित्वाधीन कंपनियों में के मुद्दों पर कुछ हड़तालें की गई। सितंबर 1905 में हावड़ा में बर्न कंपनी के 247 बंगाली बाबुओं ने कार्य संबंधी एक नए अधिनियम के विरोध में, जिसे वे अपमानजनक समझते थे, बहिर्गमन किया, तो समस्त स्वदेशी समर्थक जनता ने उनका स्वागत किया। सरकारी छापखानों में एक उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे के बाबुओं की हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई। 1905 और 1908 के बीच पटसन कारखानों में प्रायः हड़तालें होती रही, जिससे विभिन्न समयों में 18 में से 18 कारखाने प्रभावित हुए। सुब्रमण्य सेवा और चिदंबरम पिल्लई ने तूती कोरिन और तिरुनेल वेली में स्वदेशी स्वामित्व और पटसन मिलों में हड़तालों का नेतृत्व किया। रावलपिंडी पंजाब में शास्त्रागार और रेलवे कर्मी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गए। हालांकि 1908 में गर्मियों के बाद श्रमिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों की रुचि अचानक कम हुई और फिर पूर्णतः समाप्त हो गई, और ये रुचि 1919 से 22 के पहले फिर से उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ वर्ग, विद्यार्थियों, महिलाओं और शहरों और कस्बों के निम्न मध्य वर्ग के लोग ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन को मजदूरों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित करने का मंच बनाने का प्रयत्न भी किया गया। इस दौरान ब्रिटिश स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों जैसे कि ईस्टर्न इंडियन रेलवे इत्यादि में हड़तालें भी आयोजित की गई, लेकिन आंदोलन मुसलमान विशेषकर मुस्लिम किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने पहले ही सतर्क होकर के मुसलमानों को विभाजित करने की नीति अपनाई और उन्हें आंदोलन से पृथक रखने में सफल रहे। सरकार के सहयोग से वो ढाका के नवाब सलीमुल्ला और आगा खान ने अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका प्रयोग अंग्रेजों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को विफल करने के लिए किया। आंदोलन का अखिल भारतीय पहलू। बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी फैल गया। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आंदोलन के अखिल भारतीय प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप देने के पक्षधर थे। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आंदोलन का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि आंदोलन भारतीयों के उद्गारों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी सहायता से उपनिवेशों शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बंगाल विभाजन का लोप। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द होने से मुसलमान को काफी आघात लगा। विभाजन रद्द किए जाने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली आने की घोषणा की, जो कि मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन मुसलमान इस निर्णय से खुश नहीं हुए। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया और असम को एक पृथक प्रांत बना दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन।
स्वदेशी आंदोलन की असफलता कैसे रही, असफलता कैसे हुई? 1908 में 1908 तक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद, ये चरण भूमिगत क्रांतिकारी चरण से भिन्न था। बाह्य उन्माद ठंडा पड़ चुका था। इसके कई कारण थे ठंडा पड़ने के। पहला तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनात्मक रुख अपनाया था। आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले सका। यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों जैसे कि असहयोग, सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार और सृजनात्मक कार्यों इत्यादि को अपनाया गया, लेकिन आंदोलन इन सिद्धांतों को एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं दे सका। तीसरा कारण, आंदोलन आगे चलकर के नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या फिर देश से निर्वासित कर दिए गए थे। इसी समय अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति 1907 के सूरत विभाजन के रूप में हुई। इससे आंदोलन को भारी आघात पहुंचा था। यद्यपि आंदोलन ने जनसामान्य की शक्ति और ऊर्जा को उभारने का कार्य तो किया, लेकिन इस शक्ति और ऊर्जा को संगठित कर वो सही स्वरूप और दिशा में सफल नहीं हो सका था। ये सारे असफलता के कारण रहे थे। आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका। ये उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और जमींदारों तक ही सीमित रहा। मुसलमानों और किसानों को प्रभावित करने में ये पूर्णतः असफल साबित हुआ। असहयोग और सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप में ही रहे और ज्यादा व्यवहारिक रूप नहीं ले सके। तो बिना किसी सुनिश्चित योजना और कार्यनीति के किसी भी जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दी जा सकती। समोता इस आंदोलन के साथ भी यही विसंगति रही। आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। कैसे? यद्यपि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, लेकिन इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा भी नहीं जा सकता। ये आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी और इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम भी हुए, जैसे कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। ये आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को जागृत करने का अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीतिक से पृथक रहने वाले अनेक वर्गों जैसे कि छात्रों, महिलाओं और कुछ ग्रामीण और शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद और याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित हुआ। आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र राजनीतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि साहित्य, विज्ञान और उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आंदोलन से लोगों की तंद्रा टूट गई और वे साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हुए। स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष अनावृत कर दिया। आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति को तय करने में सहायता मिली। उदारवादियों की कार्य पद्धति ने उग्रवादी तरीके को बल प्रदान किया। उदारवादी की कार्य पद्धति ने उग्रवादी तरीके को बल प्रदान किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने उदारवादियों की याचिका और अनुनय विनय की नीति को अप्रासंगिक और व्यर्थ साबित कर दिया। उदारवादी अपने कार्यक्रम और नीतियों को यथोचित गति नहीं प्रदान कर सके। उनकी ये असफलता इस बात से सिद्ध हो गई कि युवा पीढ़ी ने उनके नेतृत्व को नकार दिया और उन्हें सहयोग देने से इनकार कर दिया। जन सहयोग प्राप्त करने में नरमपंथियों की असफलता से ये बात स्पष्ट हो गई कि उनकी नीतियां भारतीयों में जड़ें नहीं जमा सकी। नरमपंथी अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों का व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उदारवादी इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में असफल रहे और उनके नेतृत्व में आंदोलन में कोई भी खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन अतिवादी राष्ट्रवादी की कार्यप्रणाली में भी एक रूपता का अभाव रहा। इनकी कार्यप्रणाली में अहिंसात्मक एवं वैधानिक आंदोलन के समर्थक असंतुष्ट हो गए। विभिन्न उग्रवादी नेताओं जैसे कि अरविंद नाथ घोष, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न थे।
तिलक के लिए स्वराज्य का अर्थ था सीमित स्वशासन, जबकि अरविंद घोष विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता को स्वराज्य मानते थे। लेकिन राजनीतिक और सैद्धांतिक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता पर बल देने और आंदोलन का जनाधार बढ़ाने जैसे उद्देश्यों में उग्रवादी उदारवादियों की तुलना में ज्यादा सफल रहे। अतिवादियों ने शिक्षा के प्रसार और सेवा एवं त्याग की भावना को आधार बना करके भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का सराहनीय कार्य किया। लेकिन कहीं कहीं पर अतिवादी संकीर्णता के भावना के शिकार भी रहे। अतिवादी संकीर्णता भावना के शिकार भी रहे। उनके परंपरागत और रूढ़िवादी विचार भी यदा कदा उनके कार्यों में बाधक बनते रहे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्मति आयु अधिनियम का विरोध, इस अधिनियम द्वारा 12 वर्षों से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये जो अधिनियम था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा सम्मति आयु अधिनियम का विरोध, गणपति और शिवाजी उत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय और गोवध पर प्रतिबंध का समर्थन करने जैसे कार्यों से उनकी छवि कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी की बन गई। इसी प्रकार विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने भी हिंदू राष्ट्रवादी हितों का प्रचार किया। इसने कई मुस्लिमों को आंदोलन से दूर कर दिया। इस प्रकार उग्रवादियों के कार्यों और नीतियों से उपनिवेशों शासन को आघात जरूर पहुंचा, लेकिन उनके इन कार्यों से धर्म और राजनीति के मध्य अस्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके दुष्परिणाम कालांतर में भारतीयों को झेलने पड़े। आगे बढ़ने से पहले इस चार्ट में जो दिया है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें उदारवादियों और उग्रवादियों में क्या अंतर था उसको हम इस पे जानेंगे। उदारवादी नरमपंथी थे और उग्रवादी गरमपंथी, दो दल में बटा था, नरमपंथी और गरमपंथी। उदारवादी नरमपंथी थे और उग्रवादी गरमपंथी। नरमपंथी यानी उदारवादी सामाजिक आधार जमींदार और शहरों के उच्च मध्यवर्गीय लोगों के बीच थे, और उग्रवादी यानी गरमपंथी सामाजिक आधार शहरों के शिक्षित और निम्न मध्यवर्गीय लोगों के बीच है। उदारवादी सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत पाश्चात्य उदार विचार एवं यूरोपीय इतिहास, उग्रवादी सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और परंपरागत हिंदू मूल्य के थे। उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई भी विश्वास या निष्ठा नहीं रखते थे। उदारवादी का विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ में राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के लिए लाभप्रद होगा, जबकि उग्रवादी का मानना था कि ब्रिटेन के साथ में राजनीतिक संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण जारी रहेगा। उदारवादी ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे, जबकि उग्रवादी इनका विश्वास था कि ब्रिटिश ताज भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य है। उदारवादी का मानना था कि सरकार विरोधी आंदोलन मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जनसामान्य अभी राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उग्रवादी को जनसामान्य की शक्ति और त्याग की भावना में पूर्ण निष्ठा थी। उदारवादी सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने और संवैधानिक सुधारों की मांग की, जबकि उग्रवादी ने भारतीय दुर्दशा को दूर करने के लिए स्वराज्य की मांग की। उदारवादी ने केवल संवैधानिक दायरे में रह करके लक्ष्य पाने विश्वास रखते थे, जबकि जो उग्रवादी थे वो आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीकों जैसे कि बहिष्कार और अहिंसात्मक प्रतिरोध से परहेज नहीं रखते थे। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी भारतीय समारोह के आयोजन और प्रेस शिक्षा एवं भारतीय साहित्य के समर्थक थे। तो ये तो दोनों में उदारवादी और उग्रवादी यानी नरमपंथी और गरमपंथी के बीच का अंतर आपने जाना। अब हम आगे बात करेंगे सूरत विभाजन। सूरत विभाजन किस प्रकार से हुआ, तो सूरत विभाजन की घटनाओं की चर्चा करते हैं। अब हम स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में, जबकि क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। इसका प्रमुख कारण था कांग्रेस में दो विपरीत विचारधाराओं का उदय। सूरत का रुख।
1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ तो उदारवादियों और उग्रवादियों के मतभेद खुलकर के सामने आ गए। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार और सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। तिलक की मंशा थी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का पूरे बंगाल और देश के अन्य भागों में तेजी से विस्तार किया जाए और इनमें अन्य संस्थाओं जैसे सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं इत्यादि को सम्मिलित करें, इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और अन्य संस्थाओं को इस आंदोलन में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, जबकि उदारवादियों का मत था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से किया जाए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ में असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। अंतः बीच का रास्ता निकालते हुए एक मध्यमार्गी प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस का विभाजन टल गया। इसके बाद दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में तत्कालीन संप्रदाय दंगे और क्रांतिकारी आतंकवाद और उग्रवादी की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया। इस अधिवेशन में उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस अधिवेशन में जो उग्रवादी थे वो बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथियों ने इस पद हेतु डॉक्टर रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। अंत में दादा भाई नौरोजी सर्वसम्मति से अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज्य या स्वशासन को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा के समर्थन में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिससे बाद में इस विषय पर उदारवादियों और उग्रवादियों में बहस छिड़ गई। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों को से उत्साहित होकर के उग्रवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध और शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभाओं और नगर निकायों इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग कर दी। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्तावों को ज्यादा महत्व न मिलने के कारण भी उनमें निराशा बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ने लगा। उदारवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है और स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूप प्रारंभ करने का ये उपयुक्त समय है। उनका मत था कि अब वो समय आ गया है जब ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए और उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है और उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। उदारवादियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इस समय उग्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान से उनका जुड़ना उचित नहीं है क्योंकि उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले हुए हैं। उदारवादी ये विश्वास करने लगे कि निकाय सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। नरमपंथियों ने तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि भारतीय हितों को नुकसान पहुंचे। उदारवादी अतिवादियों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग या संबंध नहीं चाहते थे। उदारवादी ये अनुमान नहीं लगा सके कि सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों को उदारवादियों से पृथक करना है, ना कि उदारवादियों को उपहार देना है। अतिवादियों ने भी नरमपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगाया। दोनों ही पक्ष इस बात की महत्ता से परिचित नहीं थे, नहीं हो सके कि भारत जैसे विशाल औपनिवेशक देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन और आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। वो नहीं जान सके इस बात को। इसके बाद विभाजन सुनिश्चित होना। अतिवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर मध्य प्रांत में आयोजित किया जाए और बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने जाए।
साथ ही यहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्र शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरी ओर उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए और किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष ना बनाए दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष न चुनने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। उन्होंने राजबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। इस समय दोनों ही पक्षों ने अड़ियल रुख अपना लिया और समझौते की किसी भी संभावना से इंकार कर दिया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस में विभाजन सुनिश्चित हो गया। चूंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य या स्वशासन की मांग की और संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। विभाजन तो सुनिश्चित हो गया, अब हम सरकार द्वारा दमन को जानेंगे। इसके बाद सरकार ने अतिवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 से 1911 के मध्य सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए कानून बनाए गए। इन कानूनों में राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून अधिनियम 1908 जो कि संशोधित है, और भारतीय प्रेस अधिनियम 1908 प्रमुख थे। इन कानूनों में मुख्य अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को 1909 में देशद्रोही का आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने पत्र केसरी में 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंकने के बारे में लिखा था, जिसमें 2 निर्दोष यूरोपीय महिलाएं मारी गई थी। तिलक ने लिखा कि ये निस्संदेह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोहियों को प्रेरित करेगा। इस प्रकार के घिनौने कृत्य से यह संभव नहीं है कि इस देश में से ब्रिटिश शासन लुप्त हो जाए, लेकिन असीमित शक्ति का उपयोग करने वाले शासकों को यह याद रखना होगा कि मानवता के धैर्य की भी एक सीमा है। कई अखबारों ने सरकार को चेताया कि यदि वे रूसी तरीकों को अपनाते हैं तो भारतीय भी रूसी तरीकों की नकल करने को बाध्य हो जाएंगे। एक अन्य लेख में तिलक ने लिखा है कि बमबारी रोकने का सही अर्थ होगा कि लोगों को स्वराज प्रदान करने के अधिकार की शुरुआत हो रही है। तिलक को दोषी ठहराया गया और उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 6 सालों के लिए देश से निकाल दिया गया। उन्हें 6 साल के लिए मांडलय 6 साल के लिए मांडलय में मांडलय जेल में भेज दिया गया, जो कि बर्मा में था। इसी समय विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में असफल रहे अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में असफल रहे। उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई और युवाओं का सहयोग या समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे। 1908 के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा हो गया। इसमें दोबारा तेजी तब आई जब 1914 में तिलक जेल से रिहा हो गए। सरकार की कैसी रणनीति रही? कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उसके प्रति सरकार का रुख सहयोगात्मक था। इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद से स्वयं को दूर रखना शुरू कर दिया था, जिसका आभास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से मिलना शुरू हो गया। इस समय भी कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार रुख यथावत बना रहा, क्योंकि अंग्रेज के दृष्टिकोण से कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों के विरुद्ध थी और राष्ट्रवादी एवं उदार शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन बाद के वर्षों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो गया और उसने राष्ट्रवादियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया। सरकार की इस नीति को 3 प्रमुख शब्दों अवरोध, सांत्वना एवं दमन के रूप में समझा जा सकता है। अपनी इस रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने के लिए अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। द्वितीय चरण में सरकार और उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति हुई और सरकार ने उदारवादियों को आश्वासन दिया कि यदि वे आतंकवादियों से स्वयं को अलग रखें तो भारत में और संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को अतिवादियों से पृथक करना था। इस प्रकार उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के बाद सरकार के लिए अतिवादियों के दमन का मार्ग आसान हो गया, लेकिन बाद में उदारवादी भी सरकार की उपेक्षा के शिकार बन गए। दुर्भाग्यवश जबकि राष्ट्रवादियों में समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी, उदारवादी और अतिवादी दोनों ही अंग्रेज की रणनीति के शिकार हो गए और वे सरकार की वास्तविक मंशा को नहीं समझ सके। कांग्रेस का सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की इसी रणनीति का प्रतिफल था, जिसके तहत नरमपंथी और अतिवादी एक दूसरे से दूर होते गए और उनके मतभेद सूरत अधिवेशन में खुल करके सामने आ गए। मार्ले मिंटो सुधार 1909। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, जिसे कि शिमला प्रतिनिधि मंडल कहा जाता है, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने तर्क किया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्ला, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला ये प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले भी जॉन मार्शल भारत सचिव से मिले इंग्लैंड चले गए। इसके बाद कुछ मुख्य सुधार हुए। वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मार्ले उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों और उपायों का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे कि मार्ले मिंटो या फिर मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना गया, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में रूपांतरित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित और बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचन सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी अधिकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 नामजद और 27 चुने हुए सदस्य थे। निर्वाचित 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए और 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थी और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थी। अब आगे हम कुछ प्रमुख विचार कुछ देखते हैं। सबसे पहला विचार है लॉर्ड मार्ले का। ये सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में इनका विचार है कि ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, लेकिन इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। ये विचार है लॉर्ड मार्ले का। लॉर्ड मिंटो को एक पत्र में लिखा था ये विचार उन्होंने। अगला विचार है मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट का। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना तो कोई हल हो सकता है और ना ही इससे वह हो सका। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना कोई हल हो सकता है और ना ही इससे वह हो सका, ये मॉन्टफोर्ट की रिपोर्ट में है। उनके चारों ओर राजनीतिक घेरेबंदी कर दी गई, उन्हें शेष भारत से पृथक कर दिया गया।
एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में ये घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इसके विकसित होने के साथ ही इसने पूरी राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस तरह कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता है। ये विचार है जवाहरलाल नेहरू का। अगला विचार के एम मुंशी का। मार्ले मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है, के एम मुंशी ने कहा। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, अब हम बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, तो निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधि प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने और सार्वजनिक हित के प्रभाव को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के बाद भी गवर्नर जनरल और गवर्नर को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावित को ठुकराने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। पहले भारतीय सदस्य में किसको नियुक्त किया गया? सत्येंद्र सिन्हा को। सुधार का मूल्यांकन, मार्ले मिंटो सुधार का इवोल्यूशन। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना तो कोई हल हो सकता था और ना ही इससे वो निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार और विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मार्ले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के बाद भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा, मार्ले ने, कि यदि ये कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यंभावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी तो मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं होगा। वास्तव में 1909 की सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित करके राष्ट्रवादी दल में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्र एकता को विनष्ट करना था। सरकार ने इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच दे करके राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, लेकिन वास्तव में इस व्यवस्था में मुसलमानों का सिर्फ छोटा वर्ग ही लाभान्वित हो सका। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वो इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से बहुत सी छन्नियों में से छानने की क्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे और यही प्रांतीय परिषद के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। सुधारों के कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन और उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की जाने लगी। भारतीय नेताओं ने विधानमंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना दिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ भारतीय नेता ही इस अवसर का वास्तविक उपयोग कर सके।
उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठा करके इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य नहीं रही। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाम मात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं मिली। शासन का उत्तरदायित्व तो अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल और कार्यकारिणी के बीच में कड़वाहट बढ़ गई और भारतीयों और सरकार के संबंध और बदतर हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था, लेकिन और उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की और उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। अब आगे इस राष्ट्रवादी आंदोलन के सारांश को हम देखेंगे, जो कि इस चार्ट में दिया हुआ है। बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है स्टोरी, तो वीडियो को लाइक करें। सारांश है, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जो कि एक एक लाइन में आपको पॉइंट करके दिया हुआ है। फटाफट से इसको हम देख लेते हैं। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान, भारतीयों द्वारा ये महसूस किया जाना कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषणात्मक है और वो भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। दूसरा, भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई, उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। शिक्षा में विकास का प्रभाव, इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आई और बेरोजगारी भरी। बेरोजगारी में वृद्धि के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, तत्कालीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोपीय अजीयता के मिथक को तोड़ दिया। इन घटनाओं में प्रमुख घटना है एक छोटे से देश जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, इथियोपिया या जो कि अबिसिनिया है, इथियोपिया की इटली पर विजय हुई। ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोअर का युद्ध हुआ 1899 से 1902 तक। जापान की रूस पर विजय 1905 में। विश्व के अनेक देशों के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी बड़ा प्रभाव पड़ा उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। और बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां जैसे कि कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और बंगाल का विभाजन 1905। जुझाऊ राष्ट्रवादी विचारधारा, एक प्रशिक्षित नेतृत्व। तो ये सारे जो ये नौ जो लाइन देख रहे हैं आप, ये है उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। उग्रवादियों के सिद्धांत क्या थे? ब्रिटिश शासन से घृणा, जन समूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास, स्वराज्य मुख्य लक्ष्य था, प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मत्याग की भावना में विश्वास, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में विश्वास, भारतीय समारोह के आयोजन के पक्षधर थे वो, प्रेस और शिक्षा में विकास के पक्षधर थे। ये सिद्धांत था उग्रवादियों का। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन जो कि 1903 में सार्वजनिक हुआ और 1905 में लागू किया गया, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करना कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का ये तर्क सही था, लेकिन उसकी वास्तविक मंशा कुछ और ही थी।
विभाजन के फलस्वरूप सरकार ने बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम और दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया। तो ये थे बंगाल विभाजन के कारण। उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान 1903 से 1905 तक चला। उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप जो तरीके अपनाए वो तरीका था जनसभाओं का आयोजन करना, याचिकाएं की, संशोधन प्रस्ताव किया, पंफलेट्स एवं समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध किया। उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान थे जो कि 1903 से 1905 तक चला। बंगाल विभाजन के संबंध में उग्रवादियों की गतिविधियां कैसी रही, कैसी गतिविधियां थी? बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख उदारवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। विरोध के तरीके कैसे थे? विदेशी वस्तु एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, जनसभाओं का आयोजन किया गया, उग्र प्रदर्शन किया गया, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन हुआ, विरोध प्रदर्शन के लिए परंपरागत लोकप्रिय त्योहारों और मेलों का आयोजन किया गया, आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया गया, स्वदेशी या राष्ट्र शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, स्वदेशी या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, भारतीय संगीत एवं भारतीय चित्रकला को नया आयाम मिला, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला, शिक्षा संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सेवाओं इत्यादि का बहिष्कार किया गया। विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथों में लेने का क्या कारण था? जो विरोध आंदोलन चल रही थी उसकी बागडोर उग्रवादियों ने अपने हाथ में क्यों ले लिया? सबसे पहला तो कारण था कि उदारवादी के नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम नहीं निकला। दूसरा कारण, उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों से उग्रवादी असहमत थे। और तीसरा कारण, विरोध अभियान को असफल बनाने के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां। आंदोलन का सामाजिक आधार क्या रहा? सामाजिक आधार था छात्र महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग और शहरी निम्न वर्ग एवं साधारण वर्ग। शहरों एवं कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि मुसलमान सामान्यतः आंदोलन से पृथक रहे। बंगाल विभाजन किस प्रकार से रद्द हो गया? क्रांतिकारी आंदोलन के उभरने के भय से 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कब? 1911 में। स्वदेशी आंदोलन की असफलता का कारण क्या बना? स्वदेशी आंदोलन किस तरह से असफल हो गया? सरकार की कठोर दमनात्मक कार्यवाही की वजह से, प्रभावी संगठन का अभाव था और अनुशासनात्मक दिशाहीनता थी। सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन जो था वो नेतृत्वहीन हो गया। राष्ट्रवादी नेताओं की आपसी कलह होने लगी, सबका अलग अलग मत था। संकुचित सामाजिक जनाधार, ये सारे जो कारण थे ये स्वदेशी आंदोलन की असफलता के सबसे बड़े कारण थे। आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां क्या रही? व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज के अब तक के निष्क्रिय वर्ग ने बड़ी सक्रियता के साथ में आंदोलन में भाग लिया। आगे के आंदोलनों को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा और उत्साह दिया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी, विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा, भारतीय साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक एकता की महत्ता से परिचित हुए। व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज के अब तक के निष्क्रिय वर्ग ने बड़ी सक्रियता के साथ में आंदोलन में भाग लिया था। आगे के आंदोलनों को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा और उत्साह दिया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी की, विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा मिला, भारतीय साहसिक राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक एकता को महत्ता से परिचित हुए। भारतीयों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा उजागर हो गई। ये थे आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां। कांग्रेस का सूरत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, जो कि 1907 में हुआ सूरत विभाजन? उसके प्रमुख कारण थे कि उदारवादी और उग्रवादी दोनों का ही अलग मत था। उग्रवादी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन न केवल पूरे बंगाल में ही बल्कि देश के अन्य भागों में भी चलाया जाए,
और इसमें विदेशी कपड़ों और शराब के साथ सभी सरकारी सेवाओं, शिक्षा संस्थाओं, न्यायालय, व्यवस्थापिका सभा, सरकारी सेवाओं और नगर निकाय, इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। इन सारे मुद्दों को सम्मिलित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उदारवादी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहे और वे केवल विदेशी कपड़ों और शराब का ही बहिष्कार करने के पक्षधर थे। ये सबसे बड़ा कारण था, यही कारण था जो कि कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ 1907 में, अपने आपसी मतभेद की वजह से, उग्रवादी और उदारवादी का। स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से प्रयास थे? राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 ये स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास थे। मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामजद और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई। निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने और सार्वजनिक हितों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए। नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच देकर के सरकार ने अपने पक्ष में कर दिए। विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। निर्वाचन की पद्धति बहुत ज्यादा अस्पष्ट थी। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्र एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। यह है राष्ट्रवादी आंदोलन का सारांश और यहीं से हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन की समाप्ति होती है इस चैप्टर की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, स्टोरी आपको पसंद आई, समझ में आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगे, जितने भी एग्ज़ाम आपके होंगे उसके इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।